तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC या वित्त मंत्रालय या नीति आयोग या भारत का राष्ट्रपति। नीति आयोग की बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि नीति आयोग जो है 2015 से काम कर रही है, ठीक है। पहले योजना आयोग काम करती थी, उसके आधार पर अब उसके बात जो है उसको बंद करके अब यहाँ पे नीति आयोग जो है काम कर रही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। फ्रेंड्स इसका यह है पार्ट वन वीडियो है, एक वीडियो और यहाँ पे मैं आपको बनाऊंगा पंचवर्षीय योजना से संबंधित, ठीक है। तो वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट क्लास में। अगला कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें थोड़ा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना है महालनोबिस मॉडल, हाइड्रोडोमल मॉडल या बंबई योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोडोमल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह किस पे था, हाइड्रोडोमल मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचों का विकास या बंदरगाहों का विकास। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि का विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा कि भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद या छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू की गई थी, आपको बताना है कि जो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डैश के बीच तीन वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, आपको बताना है कि कब से कब जो है तीन वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, 1969 से 72, 1966 से 69, 1986 से 89 या 1988 से 91। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1966 से 69 के बीच में जो है तीन वार्षिक योजनाएं यहाँ पे शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा 1966 से 1969। अगला कि राष्ट्रीय विकास परिषद में डैश शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं आपको बताना है, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल या राज्यों के मुख्यमंत्री, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को, उसमें मैंने 1952 कराया है। तो आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहाँ जो मिले आपको यही करना है, अगर 1951 ऑप्शन मिला है तो 1951 मरना है, अगर 1952 होगा तो आपको 1952 यहाँ पे टिकअप करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 1952 होगा, सॉरी, यहाँ से भारत में पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी 1952 में शुरू की गई थी, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है किस क्षेत्र पर पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना विकास की थी, सॉरी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी विकास से किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी यानी कि मन्ना नारायण, ठीक है, मन्ना नारायण मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1947, 1949, 1950 या 1952। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952 में।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या सभी। देखिए, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जब कारखाने लगाए गए थे तो इसमें जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर सभी में जो है लगाए गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर भारत में योजना अवकाश था, ठीक है, आपको बताना है कि प्लानिंग जो हॉलीडे था भारत में कब था, 1962 के युद्ध, चीन भारत के युद्ध के दौरान, या 1966 के सूखे के बाद, या 1971 में बांग्लादेश की किस स्वतंत्र होने के बाद, स्वतः अलग होने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1966 में सूखे होने के बाद जो है यहाँ पे अवकाश था। ठीक है, योजना अवकाश का काल था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8%, 8.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, यहाँ पे है मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है अभी से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी जो है 2012 से 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.2। ठीक है, कितना रखा गया है? 8.2%। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत सरकार में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि योजना आयोग की जगह पे अब जो है नीति आयोग काम कर रही थी। अब आपको जो है यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मैं यह क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, या समावेशी एवं धारणीय विकास। अगला कि बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, या त्रिवस्तर धारणीय एवं ज्यादातर समावेशी विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिवस्तर धारणीय एवं ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद मुक्त संबंध है किससे? योजनाओं को लागू करने से, या पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, या भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे भारत में मुक्त विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसका है? नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, संघीय मंत्रिमंडल का, या संसद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग की संरचना से संबंधित सही युग्मों को चुनना है। उपाध्यक्ष जो है इसकी संख्या 5 होगी। अगला है कि अंशकालिक सदस्य यानी 4 केंद्रीय मंत्री होंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के कौन होते हैं? तो यहाँ पे नीति आयोग के जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर मैं कह देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम दूंगा ऑप्शन पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे अधिक संगठित उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्त्र उद्योग। ठीक है, भारत में सबसे संगठित उद्योग कौन है? वस्त्र उद्योग है। अगला कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, या कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई को। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। अगला कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? वाराणसी को, कानपुर को, लखनऊ को, जौनपुर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। अगला है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को। पूर्व का जो बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। अगला कि कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? ठीक है, भारत का जो है दूसरा है, कौन से देश का जो है प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान पे है
मैं उसकी बात कर लेता हूँ तो वह चाइना है। कौन है? चाइना है, पड़ोसी देश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में सर्वाधिक रेशम की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में, 1986 में, 1907 में, 1910 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि रूस की सहायता से की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस राज्य में की गई थी? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि झारखंड में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट देखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ की, भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट करना है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन को सही कर सके और यहाँ पे ऑप्शन को सही से पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर में स्थित कौन है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर खोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कागज कारखाना। नेपा नगर में कौन है? कागज कारखाना है। अगला है कि भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन है? सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सभी शुल्क लगाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है? उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर से, आय कर से, संपत्ति कर से या दान कर से? तो राइट आंसर हो जाएगा निगम कर से सरकार को है अधिक आय होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? व्यवसाय पर कर, कृषि आय पर कर, रोजगारों पर कर या व्यापार कर? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार का कर। ठीक है, व्यापार कर पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी जो लागू किया गया था वह जुलाई 2017 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख पाएंगे। निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? शराब, पेट्रोल या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं था? यह हो जाएगा शराब और पेट्रोलियम जो है जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक दर कितनी रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28%। ठीक है, कितनी रखी गई है? 28% रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, एक मिनट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक दर जो है कितनी रखी गई है फ्रेंड्स? यहाँ पे 18% होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? 18% होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, भारतीयों द्वारा सीमित देवताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, आईसीआईसी बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।